हेलो फ्रेंड्स, इस पूरे एपिसोड को मैं एक ही पार्ट में कवर कर दूंगा, तो पूरे एपिसोड को जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। शुरू के सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग अरीना पर आ चुके हैं। वहीं पास ही में कांकों पैलेस के लोग बैठे होते हैं। उन लोगों को पता चलता है ये वाला मैच 1v1 होने वाला है, जो कि स्ट्रेंथ के हिसाब से होगा। ये पता चलता ही उनमें उलने लगता है और कहता है, ब्रदर, तुम तो जीतने वाले हो। जो सियो ट्राइब से लड़का आ रहा है सियोनान, उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल के 6 लेवल में है। इस पर वो हेडमास्टर बोलने लगता है, बेशक उसकी स्ट्रेंथ तुम्हारे बराबर है, पर लेकिन फोर्स एक्शन के जो लोग हैं उनकी ताकत कुछ अलग ही होती है, तो तुम अपने आप को बचा कर रखना। तभी कांग प्रिंसेस कहने लगती है, मैच को तुम भाड़ में जाने दो, बस तुम अपनी रक्षा पहले देखना। इस पर वो कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर ही वापस आ जाऊँगा। तभी हम देखते हैं कि पूरे अरीना पर कवच लगा दिया गया है और कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। कांग फैमिली का ये लाल घोड़ा अब यहीं पर रुकने वाला है, यहाँ से आगे नहीं जाएगा ये। तभी ऊंचे स्टेज पर पहुंच जाता है और उसके सामने सियोनान आ जाता है और वो कहने लगता है, मैं सियोनान, सियो ट्राइब की तरफ से। यूंचू भी कहने लगता है, यूंचू, कांगमा पैलेस की तरफ से। फिर इसके बाद वो दोनों अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। हम तभी सियोनान को देखते हैं, जो कि अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को छोड़ने लगता है। उसकी स्पिरिचुअल ऑरा को देखकर सब लोग कहने लगते हैं, ये तो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बना रहा है। तभी वो हेडमास्टर कह रहा होता है, टॉपर फैमिलीज की तो पावर बहुत ही ज़्यादा है, उनके पास जो स्किल्स हैं वो बहुत ही ऊँची ज़्यादा लेवल की हैं, अब पता नहीं क्या होगा। तभी वहाँ पर देखते हैं सियोनान उस पर हमला कर देता है, पर यूंचू बड़े आराम से वहाँ खड़ा रहता है, उसी हमले के आने का इंतजार कर रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। तभी वो अपनी फोनिक्स ब्लड लाइन की पावर को छोड़ता है और उसके आ रहे हमले को रोक के उसको पीछे फेंक देता है। ये देखकर सब लोग खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं, इस लड़के के पास इतनी पावर है कि इसने सियोनान को पीछे फेंक दिया। इसके बाद ऊंचू तुरंत ही उस पर हमला करने दौड़ पड़ता है। जैसे ऊंचू उस पर हमला करता है, वो हवा में उड़ जाता है और एक और टेक्निक को तैयार करने लगता है। उसकी टेक्निक को तैयार होते हुए ऊंचू देख रहा होता और कुछ भी नहीं कर रहा होता। तभी लोग कहने लगते हैं, लगता है ये लड़का अब गिव अप करने वाला है। ये बात कोई और नहीं बल्कि सियो ट्राइब के हेड कह रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सियोनान ऊपर से अपनी तलवार को लेकर आ रहा होता है और उसकी तलवार को ऊंचू की तरफ मार देता है, पर सब लोग चौंक जाते हैं कि उसकी तलवार ऊंचू से खाली छुपी थी और उसके पार तो निकली ही नहीं। तभी सियो सेक्शन का हेड खड़े होकर कहने लगता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इस तलवार के पास तो इतनी पावर है कि इस लड़के की तो आर पार निकल जानी चाहिए, पर इसे कुछ भी नहीं हुआ। तभी उसके बगल में खड़ा बंदा कहने लगता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जरूरी ये कोई कवच पहना होगा। तभी हम ऊंचू को दिखाते हैं, अंदर से जैस्मिन कह रही होती है, ये तुम क्या करने लग रहे हो, अपने आप की सेकी झाड़ रहे हो यहाँ पर। इस पर वो कहने लगता है, मैं तो बस खाली ड्रैगन ब्लड की पावर देखना चाहता था। इसलिए वो कहने लगती है, तुम बहुत ही बेकार हो, तुमने मेरी नींद खराब कर दी यहाँ पर। इस पर वो कहने लगता है, इसका मतलब मुझे जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा जिससे कि तुम दोबारा सो सको। चलो मैं अपने मूव दिखाना स्टार्ट करता हूँ। और इधर हम सियोनान को देखते हैं, जिसकी फट रही होती है, वो कह रहा होता है, मेरी तलवार के हमले से तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ। ऊंचू अपनी भारी तलवार उठाकर उस पर हमले कर रहा होता है और वो सियोनान उसके हमलों से बचने की कोशिश कर रहा होता है और रोक रहा होता है। आखिर ये लड़का है क्या, इतनी भारी तलवार कैसे चला सकता है। ये देखते हुए सियोनान अपनी द्वारा से वही टेक्निक यूज़ करता है और आसमान में चला जाता है। तभी शो क्लैन के लोग कहने लगते हैं, लगता है ये अपने ट्रंप कार्ड को यूज़ करने वाला है, पर इस लड़के के पास इतनी ताकत है कि उसको अपना ट्रंप कार्ड यूज़ करना पड़ रहा है। तभी हम देखते हैं सियोनान को, जो कि अपनी टेक्निक को लेकर ऊंचू पर हमला कर चुका होता है, पर उसकी टेक्निक को आते देखिए ऊंचू कह रहा होता है, चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरी तलवार से कैसे बचते हो। ऊंचू अपनी तलवार आगे कर लेता है और उसकी टेक्निक सियोनान की टेक्निक ऊंचू की तलवार पर लग रही होती है, पर उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता है और उसकी टेक्निक की स्पिरिचुअल पावर पूरी खत्म हो जाती है, पर ऊंचू को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वो बहुत ही चौंक जाता है और पीछे की तरफ चले जाता है। तभी ऊंचू अपनी तलवार घुमाते हुए तुरंत ही उसके माथे पर रख देता है और कहता है, तुम हार गए। इस पर सियोनान निराश होते हुए कहता है, जैसा मैंने सोचा था तुम उससे ज़्यादा पावरफुल हो, ये मैच तुम जीत गए। इस पर ऊंचू कहता है, मैंने जैसा सोचा था तुम उससे ज़्यादा बढ़िया हो। तभी आवाज़ गूंजने लगती है, कांगों पहले से ऊंचू जीत चुका है और इसी के साथ ही वो टॉप 8 के लिए लड़ने के लिए तैयार है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। तभी सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, इसकी पावर तो बिल्कुल ही गलत है, इसकी हाथ में जो तलवार है उसके साथ भी कुछ गलत ही लगता है मुझे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सियोनान को हरा दे। रात हो जाती है, वो लोग जा रहे होते हैं। तभी हेडमास्टर कह रहा है, अगला मैच तुम्हारा है थंडर फायर प्लेस के यंग मास्टर से, तो तुम थोड़ा बच के रहना। इस पर ऊंचू कहने लगता है, ये क्या है, वो लोग थंडर फायर में बहुत ही ज़्यादा आगे हैं, उनके पास 2 टेक्निक है जिसकी मदद से वो उसे कंडेंस कर सकते हैं और थंडर फायर को छोड़ सकते हैं। इस पर ऊंचू कहने लगता है, अच्छा तो उन लोगों को आग से खेलना पसंद है, तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डलता। ये कहते हुए लोग अंदर जा रहे होते, तभी वहाँ पर उन्हें थंडर फायर कैसल का एक लीडर खड़ा मिल जाता है जिसका नाम मास्टर वो होता है। वो वहीं पर बीच में खड़ा होता है और वो कहने लगता है, मैं मिस्टर यून से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। इस पर यून कहने लगता है, मिस्टर यून मेरे से बात करना चाहते हैं, ये तो मेरे बहुत ही ऑनर की बात है, बताइए क्या बात है। इस पर वो कहने लगता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम्हें कांकों पैलेस में नहीं रहना चाहिए, क्यों ना तुम हमारे थंडर फायर कैसल को ज्वाइन कर लो। ये सुनने का ऊंचू थोड़ा आगे बढ़कर उससे कहने लगता है, मैंने कांकों पैलेस को ज्वाइन कर लिया है और मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, तो मुझे लगता है मैं आपके ऑफर को सिर्फ रिजेक्ट कर सकता हूँ। इसरो कहता है, क्या कहा तुमने, तुम्हें दोबारा सोचना पड़ेगा, और तुम्हें बता दूँ कांगमा पैलेस की इतनी भी पावर नहीं कि वो किसी की रक्षा कर सकें, उनके पास वो इतनी भी पावर नहीं कि वो अपनी भी रक्षा कर सकें। ये सुनने के बाद कांगमा पैलेस आगे आ जाती है और कहने लगती है, हम अपने स्टूडेंट्स को कभी नहीं रोकते, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे कांगमा पैलेस का मजाक उड़ाओ। इस पर वो उससे कहने लगता है, तुम सिर्फ एक प्रिंसेस हो जिसकी शादी अभी होने वाली है, जो कि एक सिर्फ शादी का सामान है और कुछ नहीं।
ये सुनने के बाद उनसे उसको पीछे कर देता और उस मास्टर मुझसे कहने लगता है, मैं आपको बता दूँ, मैं कहूँगा पहले छोड़ूँ या ना छोड़ूँ, मैं आपके थंडर फायर पैलेस को कभी भी ज्वाइन नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम अपनी नाक भी ज़मीन पर रगड़ोगे ना तो भी नहीं ज्वाइन करूँगा मैं। ये सुन के वो हंसने लगता है और कहता है, बहुत अच्छे लड़के, बहुत अच्छे, और अपनी स्पिरिचुअल पावर को छोड़ देता है। उसकी बॉडी के चारों तरफ आग लग रही होती है, उसके आगे तुरंत ही सेक्शन हेड आ जाता है और कहने लगता है, मैं हकीकत में इसका अपोनेंट नहीं हूँ, तो तुम लोग एक काम करो, यहाँ से भाग जाओ। वो मास्टर मुझ तुरंत तैयार होकर उन पर हमला करने वाला होता है, तभी गेट पर से आइस पैलेस के लोग निकलते हैं और उसकी आग वहीं पर भुज जाती है और वो देखने लगता है ये क्या हुआ। तभी गेट पर से लिटिल फेरी होकर निकलती है, वो आदमी वहीं से तुरंत भाग जाता है और कहता है, ये कभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं आके देखूंगा तुमको। यूँचे पीछे बढ़ के देखता है और सोचता है, लिटिल फेरी ये तुम ही थी ना, मुझे यकीन है तुम ही थी। सुबह हो जाती है, दूसरे दिन हम देखते हैं कि यूँचे एक आदमी के आगे खड़ा होता है, वो आदमी जो आदमी उसके आगे खड़ा होता है वो थंडर फायर पैलेस का यंग मास्टर होता है। वो कह रहा होता है, तुमने कल मेरे पिता की बेइज्जती की, इसका मतलब तुमने मेरे पूरी ट्राइब की बेइज्जती की है और इसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगा, इसका बदला वो होगा, मैं अपने स्पीयर से तुम्हारी बलि लूँगा, तभी मेरे थंडर फायर पैलेस की इज्जत का नाम क्लियर होगा। तभी मैं उनचू को दिखाते हैं जो कि सोच रहा होता है। कल हेड मास्टर उसे बता रहे थे कि उन लोगों के पास एक हिडन वेपन होता है, उनकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा होती है पर तुम उनके अटैकों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ईश्वर इंचू से कहने लगता है, मेरे पास एक काउंटर अटैक है। फिर हमें दोबारा से कंपटीशन पर दिखाने लगता है, यहाँ पर इंचू तुरंत ही अपनी स्पीड बढ़ाकर उसके चारों तरफ घूमने लग रहा होता है और साथ ही में उसके दो लात घूसे मारकर उसे पीछे कर देता है और सोच रहा होता है, मुझे ये जल्दी से ख़त्म करना होगा नहीं तो वो अपने वेपन का यूज़ करने लगेगा। वो पीछे होने के बाद कहने लगता है, लड़के तुम लगता है मरने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद वो अपनी स्पीयर से कई सारी टेक्निक्स को बनाता है और इंचू पर छोड़ देता है। इंचू अपनी स्पीड के साथ उन सभी टेक्निक को डॉच करने के बाद आगे आ जाता है। उसके बाद वो लड़का दोबारा से उन टेक्निकों का यूज़ करके इंचू पर दोबारा हमला करता है, पर इंचू अब की बार अपनी फोनिक्स फायर का इस्तेमाल करके उसकी सारी टेक्निक्स को पीछे कर देता है। वो लड़का नीचे ढूंढ रहा होता है कि इंचू कहाँ पर है, पर जैसे ही वो ऊपर देखता है कि इंचू ऊपर खड़ा है और उसकी पीठ पर दो पंख लगे होते हैं, तभी सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, इस लड़के के पास इतनी पावर कहाँ से आ सकती है, इस लड़के की पावर तो बहुत ही ज़्यादा है। तभी इंचू अपनी तलवार निकाल के फोनिक्स पावर का इस्तेमाल करते उसके ऊपर एक जोरदार तलवार चला देता है, जिसकी मदद से वो आदमी कुछ कवच में जाकर लगता है और वहीं पर जाकर फैल जाता है। तभी उसकी जो फायर होती है वो बैक फायर कर जाती है, उसकी पूरी बॉडी पर कई तरह के डैमेज आने लगते हैं। तभी उसके वहाँ पर फादर आ जाता है जो कि कल रात इंचू पर हमला करने आया था। वो अपने लड़के को वहाँ से उठाकर मेडिकल पवेलियन ले जाने लगता है और इंचू की तरफ बड़ी गुस्से की नज़रों से देख रहा होता है। इंचू ये देख के थोड़ा सा हंस जाता है। तभी वो रेफरी आता है और कहता है, ये मैच इंचू जीत गया और इसी के साथ वो क्वार्टर फाइनल में पहुँच चुका है। तभी हमें मास्टर लिंक को दिखाने लगता है जो कि कह रहा होता है, मैं सोचता हूँ कि इस लड़के की लिमिट यहीं पर है, पर ये लड़का मुझे बार बार से सरप्राइज कर देता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंचू कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई टैलेंटेड आदमी होगा। तभी हम फेंग जूचेन के पास में देखते हैं जो कि कह रहा होता है, जाओ तुम्हारी बारी है। मुझे लगता है वो लड़का भी फायर को कल्टिवेट करता है, पर उसकी फायर तो मेरे आगे कुछ भी नहीं होगी। तभी रात हो जाती है, रात में हमें दिखाने लगते हैं वो तीनों लोग वहीं पर खड़े होते हैं और मुस्करा रहे होते हैं। जिनपा कह रहा होता है, कल के मैच में भी लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम बड़े आराम से जीत जाओगे। तभी यहाँ पर सेक्शन हेड आके कहने लगता है, योर मैजेस्टी को जैसे ही पता चला कि तुम टॉप फोर में पहुँच चुके हो तो उन्होंने कहा कि वो पार्क में टहलना चाहते हैं। जिस सुनने के बाद कॉन्फ्रेंस इंचू के पास आकर कहने लगती है, जिन्होंने तुम्हारी इस मदद के लिए बहुत ही बहुत शुक्रिया। इस पर इंचू उससे कहता है, नथिंग मच बी माई वाइफ जस्ट किडिंग। इस पर सेक्शन हेड चालू होते हुए कहता है, अगला अपोनेंट तुम्हारा फेंग जूचेन का छोटा भाई है और तुम उससे ज़रा बच के रहना क्योंकि तुमने उसके बड़े भाई फेंग जूचेन को छेड़ दिया है, क्योंकि वो प्रिंसेस काकांग से शादी करना चाहता था और तुमने उसकी जगह ले ली है, तो वो जरूरी तुम्हें मारने के मूड में होगा। जिस सुनने का इंचू कहने लगता है, आने दो उसे, आंखें बदली आंख, लात के बदली लात मिलेगी उसे। सुबह हो जाती है, हम देखते हैं कि दोनों लोग वहाँ पर अरीना में खड़े होते हैं। वहीं पीछे कुछ लोग बैठे हुए बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, अगर स्काई वर्निंग सेक्शन दोबारा से हार गया तो ये लड़का टॉप फोर में, और ऐसा सिर्फ 100 सालों में एक बार होगा। पर मुझे लगता है कि फेंजुई भी बर्निंग सेक्शन हेड का दूसरा बेटा है और उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है, तो मुझे लगता है ये लाल घोड़ा यूनचो जरूरी रुकेगा यहाँ पर, इससे आगे नहीं जा सकता। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी फेंजुई भी बोलने लगता है अपनी तलवार को हाथ में लेते हुए, तुम जैसा कचड़ा मेरे आगे खड़ा है तो मुझे पता नहीं चल रहा कि ये तुम्हारा गुड लक है या बैड लक। इस पर इंचू उससे कहने लगता है, अगर तुम ये अपना गंदा मुंह बंद रखो तो तुम ज़्यादा अच्छे लगोगे। ये सुनते ही वो गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही अपनी टेक्निक को उसके ऊपर छोड़ देता है। इंचू आई उसी टेक्निक को अपनी तलवार से रोकते हुए वहीं पर फोड़ देता है और थोड़ा सा पीछे हो जाता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं, पर तभी फेंगजू भी बोलने लगता है, तुमने मुझे जरूरी सरप्राइज कर दिया, तुमने मेरे 60% पावर के हमले को झेल लिया, मानना पड़ेगा काफ़ी ताकतवर हो तुम, पर तुम मेरे बर्निंग सेक्शन बर्निंग रिफाइनमेंट को कैसे रोकोगे। इसके बाद उसकी शरीर से स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकलने लगती है, फिर उसके बाद अपनी तलवार लेकर इंची को पीछे पड़ जाता है। इंची उसको अपनी तरफ आते हुए देखते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तेज से इधर उधर भाग रहा होता है। तभी उसकी पावर उसके आगे आ जाती है और फिर उसको रुकना पड़ता है। तभी देखते हैं कि उसके कई सारे क्लोन्स वहाँ पर आने लगते हैं। सभी लोग कहने लगते हैं, ये तो अपनी बर्निंग सेक्शन का शैडो टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, लगता है अब तो ये मरने वाला है। वो फेंजी भी इंची पर लगातार हमले कर रहा होता है, इंची उसके हमलों से पीछे जा रहा होता है। तभी वहाँ सेक्शन मास्टर के देखते हैं जो कि कह रहा होता है, अगर तुम नहीं लड़ सकते तो अपनी जान से आत्मा दो,
तभी हम वार्निंग सेक्शन के लीडर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, मैंने नहीं सोचा था फेंग जीवी भी इतना ताकतवर हो चुका है। उससे हमलों से बचता देख फेंग जीवी भी फिर कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है तो मेरे और हमलों से बच के दिखाओ, और अपनी तलवार को निकाल लेता है। चलो हम अब इस चूहे बिल्ली के खेल को खत्म कर देते हैं। इसी के साथ ही वो अपने एक स्लैश को उसकी तरफ छोड़ देता है। यूचू अपनी तलवार निकालने के बाद स्लैश को रोकते हुए कहता है, हम जरूर ये चूहे बिल्ली के खेल को खत्म करेंगे, पर तुम ये भूल चुके हो कि चूहा यहाँ पर कौन है। और उसके बाद उसके स्लैश को काटने के बाद तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। उस हमले के लगने के बाद वो पीछे हो जाता है और कहने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। तभी वर्नी सेक्शन का लीडर कहने लगता है, क्या हुआ ये यहाँ पर। तभी फेंग जीवी भी हंसने लगता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो मेरे वर्निंग सेक्शन की फायर को डिस्ट्रॉय करके दिखाओ। तभी अपने मुंह में से फायर निकालता है जो कि ब्लू कलर की होती है, और अपनी स्वॉर्ड पर फेंक देता है। उसकी स्वॉर्ड के ऊपर करते ही उसमें से एक फॉर्मेशन बनने लगता है जो कि बहुत ही बड़ा हो जाता है। तभी वर्निंग सेक्शन के लोग कहने लगते हैं, जो भी अपनी लाइफ फोर्स का यूज कर रहा है, पर इसका अगर वो इस्तेमाल करेगा तो उसकी लाइफ पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तभी सेक्शन का हेड बोलने लगता है, ये यूनचू जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और मुझे डर है कि वो हमले से मर ही जाएगा, पर इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, मर जाएगा तो अच्छी बात है। तभी फेंग जीचेन बोलने लगता है, सही कह रहे हो, मर जाएगा तो ठीक है, क्योंकि ऐसा आदमी हमें रखना ठीक नहीं होगा हमारे लिए, अगर चाहे हम कॉम्पिटिशन से बाहर भी निकल जाएँ कोई दिक्कत नहीं। तभी मिलिंगन को दिखाने लगते हैं, वो कह रहा होता है, रेफली लिंग उसको जाकर बचाओ। तभी हमें जोयू को दिखाते हैं जो कि अपनी तलवार से एक ड्रैगन फॉर्मेशन को निकालता है और यूनचू के ऊपर छोड़ देता है, और यूनचू वहाँ पर आराम से खड़े हुए उस फॉर्मेशन को आते हुए देख रहा होता है। ये मेरा सेकंड चैनल है, फर्स्ट चैनल विजुअल आई एन में, और आपको स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।